Welcome, my dear students. I am Barkat Ali Maher, Assistant Professor of Physics from Government Degree College, Chul. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिजिक्स की फर्स्ट ईयर क्लास के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. लेट्स सी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दैट प्रॉब्लम. स्टेटमेंट ये है कि हमें फाइंड आउट करनी है एरिया, लेकिन किस शेप वाली चीज की एरिया फाइंड आउट करनी है ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट. आप कह सकते हैं कि दिस वन इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, इस किस्म की एरिया फाइंड आउट करनी है. सपोज कीजिए कि ये दिस वन इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट है. इस साइड को हम लेंथ कहते हैं, इस साइड को हम विड्थ कहते हैं. इसकी एरिया को फाइंड आउट करना है. एरिया का का रिलेशन जो सिंपल आप लेते हैं ज्योमेट्री की मदद से, वो ये है कि एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ इनटू विड्थ. समझ गए कि रेक्टेंगुलर प्लेट की एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये रिलेशन आप यूज करते हैं. तो अब देखते हैं कि यहाँ लेंथ की वैल्यू क्या है और फिर देखते हैं कि विड्थ की वैल्यू क्या है. लेकिन यहाँ पे ये डिफरेंट चीज है कि लेंथ और विड्थ की जो वैल्यूज गिवन है वो सर्टेन फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनमें अनसर्टेनिटी वाला आंसर भी शामिल है. यानी कि थोड़ी एरर भी है. एरर का मतलब है उनमें एब्सोल्यूट एरर की बात की जाती है. जब भी कोई इस तरह का नंबर लिखा हो, प्लस माइनस में कुछ लिखा हो, तो आप कह सकते हैं कि दैट इज एब्सोल्यूट एरर. यानी कि यह वैल्यू या तो इतना बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है. सो आप कह सकते हैं कि दीज मेजरमेंट्स आर नॉट एक्यूरेट वन, बट दीज आर अनसर्टेन वैल्यूज. तो आपको भी जो एरिया फाइंड आउट करके बतानी है वो सर्टेन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भी अनसर्टेन फॉर्म में होनी चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यू थिंग हियर. सो लेट्स सी आप कैसे एरिया तक पहुंचते हैं. तो हम बेसिक मैथमेटिक्स जो आपको आती है उसको यूज करते हुए फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एरिया इन अनसर्टेन फॉर्म. जी हाँ, स्टेटमेंट के पढ़ने के बाद पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को लिखने के लिए, कि आपको पहले लिखना होता है कि व्हाट इज गिवन डेटा इन दैट प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम में आपको नजर आ रहा है कि यहाँ हमें दो क्वांटिटीज गिवन है. वन इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट एंड अदर इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट. लेंथ की वैल्यू क्या है तो नजर आ रही होगी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, 21.3 प्लस माइनस अनसर्टेन वैल्यू 0.2 एंड इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर. अगर आप विड्थ की बात करें तो विड्थ की वैल्यू है 9.80 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. ये दो वैल्यूज आपको गिवन है. फिर आपको फाइंड आउट करना लिखना होता है कि वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट, यानी फाइंड आउट क्या करना है. सो ये हो गया गिवन डेटा. उसके बाद स्टेप आता है टू फाइंड आउट. जी हाँ, फाइंड आउट क्या करना है. तो आपने पढ़ा कि हमें एरिया फाइंड आउट करनी है. जी हाँ, एरिया इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी. जी हाँ, एरिया को फाइंड आउट करना है. एरिया की कैलकुलेशन करके बतानी है आपको. तो गिवन डेटा के बाद, फाइंड आउट के बाद कि हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, फिर आपको जाना होता है सॉल्यूशन की तरफ. तो सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि एरिया पूछी गई है. किस चीज की एरिया है? रेक्टेंगुलर प्लेट की एरिया है. जब रेक्टेंगुलर प्लेट की एरिया के बारे में पूछा गया है तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर थिंग्स आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ इनटू विड्थ. अगर कोई सर्कुलर चीज होती तो फिर ये फॉर्मूला यूज नहीं होता. फिर हम यूज करते पाई आर स्क्वायर. अगर कोई स्फेरिकल चीज होती, थ्री डायमेंशनल, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता? जी हाँ, एरिया का फॉर्मूला होता 4πr². तो आप समझ गए होंगे कि ज्योमेट्री के हिसाब से अगर शेप चेंज होती है तो उसकी एरिया का रिलेशन भी चेंज होता है. वेरी गुड. तो अभी हमने को फाइंड आउट करनी है एरिया, और एरिया के लिए हमें रिलेशन यूज करना है लेंथ इनटू
वेट, सो दिस इज आवर फार्मूला, यानी सॉल्यूशंस में आपने फार्मूला लिखना है। जब आपने सिलेक्ट कर लिया कि विच वन फार्मूला विल बी यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो अब आप इस फार्मूले में फकर ये गिवन डेटा के जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब हम रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, लेंथ की वैल्यू लिखेंगे, विड्थ की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन अनसर्टेन वाले मेथड के साथ। तो इसको जरा गौर से देखिए कि नाउ एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ की वैल्यू 21.3 प्लस माइनस 0.2 है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है 9.80 प्लस माइनस 0.1 के साथ, राइट। तो अब आप देखिए कि ये दो ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ पे आप सिंपल अर्थमेटिक यूज करेंगे, वही तरीका जो आप पढ़ते आए हैं कि मैथमेटिक्स में कि फर्स्ट टर्म लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट के हर टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ, फिर दूसरे टर्म को सिलेक्ट करेंगे, फिर बहुत सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सिंपल अर्थमेटिक मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट आप सीख चुके हैं। तो देखिए कि 21.3 को किसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना होता है, 9.80 के साथ, फिर ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये अनसर्टेन वैल्यू है, ये एरर वाली वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट एरर वाली जो वैल्यू है प्लस माइनस के साथ है, तो इसमें प्लस माइनस पहले लिखेंगे, बाद में ये 21.3 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इन साइंस को इस प्रॉब्लम में ध्यान से रखना है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी टर्म सिलेक्ट करेंगे, तो वो ऑलरेडी प्लस माइनस में है, तो आप भी प्लस माइनस वाले फॉर्म में उसको लिखेंगे। 0.2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 9.80 के साथ, फिर प्लस माइनस की बारी आ गई, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.1 के साथ। तो ये हमारी ब्रैकेट्स खत्म हो गई और हमें ओपन फॉर्म में टर्म्स मिल चुके हैं, इनको आपने अब सॉल्व करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यू आती है 208.74, जवाब निकलता है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन यूज। ओके, प्लस माइनस लिखेंगे, इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करने से 0.1 की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2.13। जी हाँ, 1/10 फकत करना है, डेसिमल पॉइंट की पोजीशन चेंज कीजिए, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गए। तो फिर प्लस माइनस इन दोनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इनका जो आंसर निकल रहा है 1.96 है। इसके बाद ये देखिए, प्लस माइनस में ये दोनों वैल्यू अनसर्टेन है, ये दोनों वैल्यू एरर वाले हैं, ये दोनों वैल्यू वेरी स्मॉल हैं, तो वेरी स्मॉल वैल्यूज के आप जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो भी वेरी वेरी स्मॉल होती है, तो उसको हम मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में कंसीडर करते हैं नेग्लिजिबली स्मॉल। जब नेग्लिजिबली स्मॉल कंसीडर करते हैं तो इस टर्म को आप लिख सकते हैं एज अ जीरो। जी हाँ, इस टर्म को अगर आप शामिल ना करें तो दूसरे मेथड्स या यूज करने आपको नहीं पड़ेंगे, तो यू विल रीच अप टू द करेक्ट आंसर। अब ये देखिए कि आपको पता होगा कि जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स और राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स को भी अप्लाई करते रहते हैं, उनको भी जहन में रखते हुए हम आगे चलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप यहाँ थोड़ा गौर करेंगे कि 208.74 है, लेकिन हमारी जो गिवन वैल्यूज थे उनमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो सर्टेन वैल्यूज में थे वो 3 थे। जब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो तो आपको भी मल्टीप्लीकेशन में हमेशा फाइनल आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करने होते हैं, दिस इज द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, 3 डिजिट्स हमें बचाने हैं, तो फिर ये फोर्थ वन डिजिट्स के साथ आप क्या करेंगे, तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए कौन सा तरीका यहाँ यूज होगा, तो आप देख रहे हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 5, तो ये रूल आपने पढ़ा हुआ होता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन यू हैव टू ऐड 1 इनटू द रिटेन्ड डिजिट। जी हाँ, 208 की जगह आप इसको लिखेंगे 209, तो ये वैल्यू राउंड ऑफ हो गई अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर रूल्स।
यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अब इस दूसरी टर्म को देखिए कि 2.13 को आपने ऐड करना है इस वैल्यू के साथ, क्योंकि ये प्लस माइनस में है वैल्यूज, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे. तो ऐड करने से ये हमें क्या आंसर मिलेगा, 6 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 प्लस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा. ये डेसिमल पॉइंट यहीं पे लिखेंगे तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा. लेकिन आप देख रहे हैं कि अनसर्टेन वैल्यू इन दोनों गिवन क्वांटिटीज में सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 1 है, इसमें भी वन है इसमें भी वन है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ गए 3, तो ये गलत है. इसको आपने राउंड ऑफ करना है इनटू 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो अब देख रहे हैं कि 1 डिजिट को हमने बचाना है, बकाया को खत्म करना है, तो कौन से डिजिट्स के को हमने रिमूव करना है. फिर देख रहे हैं कि डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 0 है, 0 मींस लेस देन 5 है, लेस देन 5 है तो देन सिंपली ड्रॉप इट. सिंपली ड्रॉप इट का मतलब है कि अब हमारा आंसर हो गया ये, एंड दिस इज द एक्चुअली सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, तो एरिया का जो यूनिट बनता है दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट. बट ये तरीका कब इस्तेमाल हुआ, जब हमें जो भी गिवन वैल्यूज थे वो सर्टेन न थे, उनमें एक एरर का जिक्र था. तो जब भी किसी वैल्यू के साथ किसी एरर का जिक्र हो तो उसको